हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद गुन। सो फ्रेंड्स, हमारा वही टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग। उस सीरीज़ के अंदर सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटिंग थ्योरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसके अंदर आज हम एक और न्यू रिपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्टैम्प रिपोर्ट। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हम कॉर्पोरेट रिपोर्ट के बारे में, ट्रू ब्लड रिपोर्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं, उसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखी तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, देन स्टैम्प रिपोर्ट कि आज हम पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है स्टैम्प रिपोर्ट। नाम से ही पता चल रहा है, स्टैम्प यानी कि किसी ना किसी के नाम से ये जो है लिया गया है। तो देखते हैं क्या है। कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीए, कैनेडियन इंस्टीट्यूट है, कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 1980 एक इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट का नाम बता रखा है इन्होंने, कैनेडा में है। 1980 में इन्होंने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया। उस रिपोर्ट का क्या नाम था? कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग एंड इट्स फ्यूचर इवोल्यूशन, कि कॉर्पोरेट की किस तरीके से कंपनी में रिपोर्टिंग की जाए और इट्स का फ्यूचर इवोल्यूशन। यानी कि इस इंस्टीट्यूट ने 1980 में एक रिपोर्ट को पब्लिश किया, रिपोर्ट का नाम बताया हुआ है। और इस रिपोर्ट को लिखा किसने था, यानी कि वैसे पूरी टीम थी लेकिन इसमें जो मेन राइटर थे वो लिखा था उन्होंने, एडवर्ड स्टैम्प ने। सो यही इन्हीं के नाम से ही इस रिपोर्ट का जो नाम पड़ा, जिस इन्होंने इस रिपोर्ट को लिखा तो इसका नाम पड़ गया स्टैम्प रिपोर्ट। जनरली से स्टैम्प रिपोर्ट कहा जाता है, एडवर्ड स्टैम्प रिपोर्ट भी आप इसे कह सकते हैं। तो देखते हैं इनकी ये रिपोर्टिंग जो है, यानी कि कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग एंड इट्स फ्यूचर रेगुलेशन, ये रिपोर्ट क्या कहती है। तो चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टैम्प रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसने क्या कहा कि अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, सो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। तो इसने आपके ऑब्जेक्टिव को डिस्क्लोज किया। तो देखिए वो ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला इन्होंने बताया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन इन सच ए फॉर्म एज टू मिनिमाइज अनसर्टेनिटी, सिंप्लिसिटी। इन्होंने एक ही बात पे फोकस किया सिंपली, कि आपको अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करना है। यानी कि इस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाए, इस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि अनसर्टेनिटी जो है वो मिनिमाइज हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू बोथ इक्विटी एंड डेप्ट इन्वेस्टर। दो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करे, किसको? इक्विटी और डेप्ट इन्वेस्टर को फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। जबकि इसमें पहले जो आपने ट्रू ब्लड रिपोर्ट पढ़ी है उसमें देखा होगा कि उन्होंने जो थी सिर्फ क्रेडिटर्स यानी कि इनकी नीड को ही, यानी कि डेप्ट की नीड को ही सिर्फ इन्होंने फोकस किया था, कि उन्हीं को इन्फॉर्मेशन की नीड होती है और कोई भी अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है तो वो उन्हीं के लिए होनी चाहिए। बट स्टैम्प रिपोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, दोनों हमारे लिए ज़रूरी है, सिर्फ डेप्ट ही नहीं बल्कि इक्विटी को भी हमें इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। यानी कि इसने जो थी कहा कि सभी पार्टीज़ जो है ज़रूरी है, सब यूज़र्स के लिए इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये जो मेन ऑब्जेक्टिव था स्टैम्प रिपोर्ट का। कुछ और भी ऑब्जेक्टिव थे, तो देखिए क्या थे, कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन सच ए वे डैट यूज़र कैन असेस रिस्क हिमसेल्फ। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड की जाए कि जो यूज़र है वो रिस्क को असेस कर सके, वो खुद ही रिस्क को ईजिली असेस कर सके कि रिस्क क्या है, कितना होगा, इस तरीके से। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए कि स्टैंडर्ड्स शुड बी इनोवेटिव एंड इलेटरी फॉर इम्प्रूविंग फंक्शंस, कि स्टैंडर्ड जो है वो इनोवेटिव होने चाहिए और इस तरीके से उनकी इन्वॉल्वेंस होनी चाहिए कि वो फंक्शंस को इम्प्रूव कर सके। इस तरीके के स्टैंडर्ड आप अपनाओ जिससे कि आपकी जो फंक्शंस है, डिसीजन मेकिंग है, वो काफ़ी अच्छी हो सके। सो स्टैम्प रिपोर्ट ने सिर्फ इतना ही बताया, इसने जो फोकस किया किस पर फोकस किया, कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो दोनों पार्टीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इक्विटी इन्वेस्टर के लिए और डेप्ट इन्वेस्टर के लिए। एंड सेकेंड, इसने कुछ आपकी ऑब्जेक्टिव बताया कि फाइनेंशियल अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसे कुछ ऑब्जेक्टिव जो है वो ये होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर देना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।